वेलकम टू माई चैनल एच वी मूवी एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पर्ल। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इस लड़की का नाम पर्ल होता है और पर्ल अपने माता पिता के साथ टैक्सेस में रह रही होती है। वैसे तो ये लोग जर्मनी के रहने वाले होते हैं, लेकिन अब ये लोग टेक्सास में सेटल है। और पर्ल का हस्बैंड जो एक आर्मी ऑफिसर है, इस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है, जिसमें पर्ल का हस्बैंड अपनी गन को सप्लाई करने के लिए गया होता है। यहाँ पे हमें पर्ल के पिता को दिखाया जाता है और वो पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है। और वहीं पर्ल की माँ जो एक कंट्रोलिंग है वो अब पर पर्ल की माँ जो पर्ल से कहती है कि अब पूरे फॉर्म की जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर्ल को मूवी देखने का बहुत शौक होता है, इसीलिए उसे जब भी टाइम मिलता है वो पास ही सिनेमा हॉल में जाकर के मूवी देखने लगती थी। और साथ ही पर्ल एक डांसर भी बनना चाहती थी। उसे गर्ल्स ग्रुप में डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी मॉम इस चीज़ के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि पर्ल सब जिम्मेदारी दे और वो फार्म हाउस की देखभाल करे और अपने पिता की भी देखभाल करे। लेकिन पर्ल के सपने कुछ और, वो एक डांस ग्रुप में डांस करना चाहती थी और लेकिन उसके सर पे जिम्मेदारी थी। उसे फार्म हाउस भी देखना था और अपने पिता का ख्याल भी रखना था। और इन्हीं सब चीजों से डिस्टर्ब होकर के पर्ल अब गलत रास्ते पे चली जाती है। उसे जब भी मौका मिलता था तो वो फार्म हाउस में जाकर के जानवरों को टॉर्चर करती थी और साथ ही अपने पिता को भी काफी परेशान करती थी। और जब भी उसे मौका मिलता था तब वो मूवी देखने जाती थी। लेकिन पर्ल को उसी में नशे की भी आदत हो गई थी, वो काफी अकेली थी। और जब भी उसे अकेला पर महसूस होता था तो वो अपने हस्बैंड के पुराने लेटर्स को पढ़ लेती थी। चाहे कुछ भी हो जाए पर अपना सारा काम निपटा करके सब सिनेमा देखने का टाइम निकाल लेती थी। और एक दिन जब पर सिनेमा देखने गई होती है तभी उसे रास्ते में उस सिनेमा और प्रोजेक्शनिस्ट मिलता है जो अब पर से बातें करता है। और उस प्रोजेक्शनिस्ट को पर काफी अच्छी लगती है और बातों में पर उसे बताती है कि उसे डांस का काफी शौक है, मुझे एक कोरस डांसर बनना है। फिर वो प्रोजेक्शनिस्ट पर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो एक शो फ्रेम भी देख सकती हो। लेकिन पर कहती है कि मुझे घर जाना है। और यहाँ हम देखते हैं कि पर का जो स्वभाव है वो काफी शर्मिला होता है। अब प्रोजेक्शनिस्ट पर से कहता है कि तुम चाहो तो तुम डांसर बन सकती हो, जिसके बाद प्रोजेक्शनिस्ट के पास नेगेटिव फ्रेम होता है जिसमें से वो एक फ्रेम का छोटा सा टुकड़ा काट करके पर को दे देता है। पर जो अब उस प्रोजेक्शनिस्ट को बता देती है कि मेरा हस्बैंड वर्ल्ड वॉर फन में गया हुआ है, जिसके बाद पर यहाँ से चली जाती है। और पर आज काफ़ी खुश होती है, इसीलिए वो अब अपने कॉर्न फील्ड में जाती है और वहाँ से करके वो इस गेयर क्रू को नीचे उतारती है और उसके साथ डांस करने लगती है। पर डांस करते हुए इतना ज़्यादा खो जाती है कि उसे अब इस गेयर क्रू के अंदर उस प्रोजेक्शनिस्ट का चेहरा दिख रहा होता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि पर की दिमागी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अब पर काफ़ी देर डांस करने के बाद से रात को अपने घर जाती है और यहाँ पे उसकी माइज का इंतजार कर रही होती है, जो अब पर्ल को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करती है। और देखिए उस समय वो पर्ल से कुछ नहीं कहती है, जिसके बाद रात में अब ये सभी बैठ के खाना खाते हैं। उसी समय पर्ल की माँ अब पर्ल से बोलती है कि मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए थे उसमें से अभी 8 फ्रेंड्स कम है, मुझे उनका हिसाब चाहिए। और पर्ल अपनी माँ की बातों को इग्नोर कर देती है, जिसके बाद पर्ल की माँ उसके सामने से खाने की प्लेट हटा लेती है और उसे कहती है कि आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा जब तक कि तुम मुझे 8 सेंट्स का हिसाब नहीं देती हो। असल में पर्ल ने वो 8 सेंट्स अपनी कोरस डांस को देखने में ख़त्म कर दिए थे। फिर हमें नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे अब और पर्ल के घर में अब पर्ल के हस्बैंड किस्टन मिट्सी आती है और वो अमेरिकन है। उसके पहनावे को देखकर ऐसा लगता था कि वो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी है। वो आकर के पर्ल को बताती है कि पास के ऑडिटोरियम में कोरस डांस का ऑडिशन है और जो भी इस कोरस डांस को जीतेगा तो उसे 7 शहरों में घूमने का मौका मिलेगा। ये चीज सुनकर के पर्ल के मन में भी काफी एक्साइटमेंट होती है और वो भी ये सोचती है कि मैं भी उस डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूँ और उस ऑडिशन को जीतूँ। यहाँ पे मिट्सी पर्ल को बताती है कि मैं उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, लेकिन ये बात घर में किसी को भी नहीं पता। और पर अब मिट्सी से कहती है कि मैं भी कोरस डांस में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। इस वजह से मिट्सी पर्ल से कहती है कि ठीक है तो तुम भी आ जाना, लेकिन इस बारे में घर में किसी को मत बताना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और पर्ल अब काफ़ी एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो अगर कोरस डांस जीत गई तो फिर उसका जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए पर अब रात प्रोजेक्शनिस्ट के पास मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि कल मेरा एक ऑडिशन है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी के सामने डांस नहीं किया है। पर्ल को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो अच्छा डांस कर पाएगी। अब प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल को कॉन्फिडेंस दिलाता है और कहता है कि तुम अच्छा परफॉर्म करोगी। जिसके बाद अब वो पर्ल को एक एडल्ट फिल्म दिखाता है और ये वो दौर था जब एडल्ट फिल्म थिएटर में दिखाना इलीगल था, लेकिन प्रोजेक्शनिस्ट का मानना ऐसा था कि ये भी अब लीगल हो जाएगा। उसके बाद प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल से कहता है कि तुम अपने सपनों को कभी भी मत तोड़ना। पर्ल अब उसे कहती है कि मैं अपने सपनों को नहीं तोड़ना चाहती, बट मेरे सामने मेरी फैमिली आ जाती है
और मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके बाद पर्ज अपने घर आ जाती है और वो रात में अपने हस्बैंड की फ़ोटो देखती है क्योंकि वो इस समय अपने हस्बैंड को काफ़ी मिस कर रही होती है। वो इस समय बिल्कुल अकेली होती है और उसके सामने काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं और मेरे सपनों के आगे मेरी फैमिली आ रही है, इसलिए वो चाहती थी कि मेरा पत्थर मारा जाए। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं और पर्ल अपने फादर को लेकर के एक लेक के किनारे आई होती है और उस लेक में काफी सारे क्रोकोडाइल भी होते हैं और पर्ल के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि वो अपने फादर को इस लेक में गिराना चाहती है और उन्हें मारना चाहती है। उसी समय यहाँ पे पर्ल की मॉम आ जाती है क्योंकि पर्ल की मॉम को उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो पर्ल से कहती है कि तुम अपने फादर को लेकर के घर में जाओ। और अब रात होती है, सभी लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। यहीं पर पर्ल की मॉम अब पर्ल से कहती है कि मुझे तुम्हारे कमरे से एक फिल्म का पोस्टर मिला है और मुझे पता है कि तुम सभी से छुप करके सिनेमा देखने जाती हो और इसीलिए अब तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम्हें कोई सिनेमा नहीं देखना है। और उस समय सिनेमा देखना, डांस करना, ये सभी बहुत ही गलत काम माना जाता था, इसीलिए पर्ल की मॉम उसे ऐसा करने से मना करती है। इसके रिप्लाई में पर्ल अपनी मॉम से कहती है कि कल चर्च में डांस का ऑडिशन है और मैं वहाँ ऑडिशन देने जा रही हूँ और अगर मैं इस डांस में सेलेक्ट नहीं हुई तो फिर मैं कभी भी डांस नहीं करूँगी। ये बात सुनकर के पर्ल की मॉम और पर्ल को मना कर देती है और कहती है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम कोई सिनेमा नहीं देखोगी और कोई डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। इस वजह से पर्ल और उसकी मॉम के बीच काफ़ी आर्गुमेंट होने लगती है और इन दोनों के बीच हाथापाई भी होती है और हाथापाई करते वक्त पर्ल की मॉम के कपड़े में आग लग जाती है। हालांकि यहाँ पे पर्ल अपनी मॉम के ऊपर गर्म पानी डाल करके उनकी आग बुझा देती है, लेकिन आग में जलने की वजह से पर्ल की मॉम पूरी तरीके से जल जाती है। इसी वजह से पर्ल अपनी मॉम को बेसमेंट में छुपा करके सिनेमा की तरफ चली जाती है और सिनेमा में अगेन से पर्ल की मुलाकात प्रोजेक्टनिस्ट से होती है और ये दोनों अब इस रात में काफ़ी करीब आ जाते हैं। अगले सुबह प्रोजेक्टनिस्ट पर्ल से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ और पर्ल अब उसके साथ अपने घर वापस आ जाती है और रास्ते में पर्ल एक सोल्जर को भी देखती है। असल में अब ये वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो चुका था और सभी सोल्जर्स अपने अपने घर जा रहे थे। पर्ल अब अपने घर पहुँचती है प्रोजेक्टनिस्ट को लेकर के, यहाँ पे वो उसे अंदर बुलाती है और अपने फादर से मिलवाती है और कहती है कि मैं यहाँ पे अपने फादर के साथ अकेले रहती हूँ। जिसके बाद पर्ल प्रोजेक्टनिस्ट को अपने रूम में लेकर के जाती है और एक बार फिर से ये पर्ल और प्रोजेक्टनिस्ट काफ़ी करीब आ जाते हैं और फिर यहाँ से प्रोजेक्टनिस्ट जाने लगता है। तभी वो नीचे आकर के देखता है कि घर का सारा सामान फैला हुआ है और नीचे बेसमेंट से किसी की ठकठक की आवाज़ आ रही है। यहाँ पे पर्ल आकर पर्ल आ जाती है और प्रोजेक्टनिस्ट पर्ल से पूछता है कि नीचे बेसमेंट से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, वो किसकी आवाज़ है। इस पर पर्ल झूठ बोल देती है और कहती है कि मेरा डॉग है, वो हमेशा बाहर भाग जाता है, इसीलिए मैंने उसे बेसमेंट में बंद कर रखा है। पर्ल अब प्रोजेक्टनिस्ट का ध्यान भटकाने के लिए उसे अपने अस्तबल में लेके जाती है और काफ़ी सारे गौरों के नाम बताने लग। यहाँ में प्रोजेक्टनिस्ट पर्ल से पूछता है कि तुम्हारे डॉग का क्या नाम है, जिस पर पर्ल कहती है कि मेरे पास कोई डॉग नहीं है। पर्ल को अब अपनी गलती का एहसास होता है, वो थोड़ी देर शांति ही रहती है क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही प्रोजेक्टनिस्ट को कहा होता है कि उसके पास एक डॉग है। जिसके बाद अब प्रोजेक्टनिस्ट पर्ल से कहता है कि तुम अपनी डांस की प्रैक्टिस करो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे एक अर्जेंट काम है। यहाँ पे पर्ल समझ जाती है कि अगर प्रोजेक्टनिस्ट यहाँ से बाहर गए तो फिर वो सबको सब कुछ बता देगा क्योंकि उसे मुझ पर शक हो गया है। इसीलिए अब पर्ल प्रोजेक्टनिस्ट से पूछती है कि तुमने यहाँ पे क्या देखा, जिस पर वो कहता है कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन पर्ल की बातें अब उसको डराने लगती हैं और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन पर्ल नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाए और सबको सब कुछ बताए। इसीलिए वो अब एक वेपन उठाती है और उससे प्रोजेक्टनिस्ट के ऊपर वार कर देती है, जिस और उस वार से प्रोजेक्टनिस्ट की मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ पे प्रोजेक्टनिस्ट को पर्ल के ऊपर ज़्यादा शक नहीं होता है। फिर पर्ल अपने घर जाती है और घर जा करके वो अपनी माँ को भी मार देती है। अभी पर्ल की दिमाग में सिर्फ और सिर्फ उसका ऑडिशन चल रहा होता है, इसीलिए वो ऑडिशन के लिए तैयार होती है और घर से निकलने से पहले वो अपने फादर को भी मार देती है। जिसके बाद पर्ल बाहर आती है और अब प्रोजेक्टनिस्ट की लाश उसी की कार में बैठा करके लेक के किनारे लाती है और उस कार को लेक में ही धकेल देती है। और इसके बाद पर्ल अब सीधे चर्च की तरफ जाती है जहाँ पे ऑडिशन हो रहा था और उस शहर में काफ़ी सारी लड़कियाँ होती हैं जो ऑडिशन देने आई होती हैं। यहाँ पे मिर्ची भी होती है और मिर्ची अब पर्ल को बताती है कि एक शहर से सिर्फ एक ही लड़की को चुना जा रहा है और अब ऑडिशन देने का नंबर पर्ल का आता है। पर्ल अपना परफॉर्मेंस करती है लेकिन जजेस को उसका परफॉर्मेंस पसंद नहीं आता है। असल में उन जजेस को किसी अमेरिकन लुक वाली लड़की की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो लोग पर्ल को यहाँ से निकाल देते हैं। पर्ल इनके सामने काफ़ी रोने लगती है और उनसे कहती है कि प्लीज़ उसे सेलेक्ट कर लीजिए, लेकिन जजेस उसकी बात नहीं सुनते हैं। अब पर्ल बाहर आकर के रोने लगती है
और अब यहाँ पे मिर्सी आती है जो पर्सी कहती है कि चलो अब हमें यहाँ से घर चलना चाहिए, जिसके बाद ये दोनों अब पर्ल के घर आते हैं। और पर्ल अपने घर में बैठी होती है, उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है कि आज ही उसने 3 लोगों को जान से मारा है। और मिर्सी जो अब पर्ल को कंसेंट करने के लिए उसके घर आई होती है, वो अब पर्ल से कहती है कि तुम चाहो तो मुझसे कोई बात भी शेयर कर सकती हो। जिस पर पर्ल मिर्सी से कहती है कि मेरा हस्बैंड जो वर्ल्ड वॉर में गया है, लेकिन अगर वो उस सिंह में शहीद भी हो जाते हैं तो फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात सुनकर के मिर्सी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और साथ ही पर अब मिर्सी को सारी बातें बताती है कि कैसे आज उसने अपने ही घर में 3 लोगों को जान से मार दिया है। और ये चीज़ सुनकर के मिर्सी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और घबरा जाती है, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं लाती है, क्योंकि वो जानती थी कि पर्ल एक साइको है और उसने अपने घर में 3 लोगों को जान से मार दिया है। और पर्ल जो अब मिर्सी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डांस कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि जजेस को अमेरिकन लुक वाली लड़की चाहिए जिसकी ब्राउन हेयर हो, तुम्हारे ब्राउन हेयर है, उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट किया है। यहाँ पे मिर्सी ने पर्ल को नहीं बताया होता है कि उसका डांस कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है, लेकिन अब पर्ल को ये बात पता चल चुकी होती है, इसीलिए मिर्सी उसे बताती है कि हाँ मेरा डांस कॉम्पिटिशन में सिलेक्शन हो गया है और अगले हफ्ते ही मैं टूर पर जा रही हूँ। ये चीज़ सुनकर के पर्ल को काफ़ी जलसी होती है मिर्सी से, क्योंकि ये पर्ल का सपना था, इसीलिए उसने अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया था। और मिर्सी भी समझ आती है कि पर्ल साइको है, वो कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो अब घर से बाहर आकर के वहाँ से जाने लगती है। बट तभी वो पीछे से पर्ल को आते हुए देखती है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है और वो मिर्सी को मारने के लिए आ रही होती है। ये चीज़ देखकर कि मिर्सी वहाँ से अपनी जान बचा करके भागने लगती है, बट मिर्सी ज़्यादा दूर पर्ल से नहीं भाग पाती है। पर अब मिर्सी को चेज करके उसे जमीन पर गिरा देती है और उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करती है, जिससे कि मिर्सी की मौत हो जाती है। और अब हमें यहाँ से वो सीन दिखाते हैं जहाँ पे अब पर्ल अपनी पूरी मदर फादर के साथ बैठ करके डिनर कर रही होती है और सामने उसके उसके फादर और मदर मॉम बैठे होते हैं जो कि अब नहीं है। पर्ल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने इन्हें मार करके गलत किया है, और उसकी मॉम पर्ल को हमेशा यही सिखाती थी कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है तुम्हें उससे हमेशा बेहतर बनाना चाहिए। लेकिन पर्ल ने अपने सपनों के आगे अपने पूरे परिवार को जान से मार दिया था, और इसीलिए पर्ल अब अपने परिवार को बेस्ट बनाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने पति का इंतजार कर रही होती है। वो अपने हस्बैंड को काफ़ी मिस करती है। अब अगले ही दिन पर्ल का हस्बैंड घर आ जाता है, डाइनिंग टेबल पे पर्ल के मॉम और फादर की डेड बॉडी देखता है और इसी देख करके वो समझ जाता है कि यहाँ पे बहुत कुछ गलत हुआ है। तभी किचन से पर्ल निकलती है और उसकी चेहरे पे मुस्कान होती है और उस मुस्कान के पीछे काफ़ी दर्द छुपा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी से हमें ये बताया गया है कि कभी भी हमें अपने सपनों के पीछे इतना पागल नहीं होना था कि हमारे पास जो कुछ भी है हम उसे खो दें, और कभी भी हमें किसी के लिए जेलसी नहीं होनी चाहिए। अब पर्ल हमेशा से यही चाहती थी कि उसका हस्बैंड घर आ जाए और वो उसके साथ रहे, लेकिन जब उसका हस्बैंड उस घर आया तब पर्ल के पास कुछ भी नहीं बचा था, उसने अपनी सारी खुशियाँ खो दी थी, लेकिन उसके सपने अभी भी अधूरे थे। इतने सारे लोगों को खोने के बावजूद उसने अपने सपनों को नहीं पूरा कर पाई। इसी के साथ इस मूवी की कम्प्लीटली एंडिंग हो जाती है। सो गाइस, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।